प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को इस समय महिमा देंगे, जो समय प्रभु ने हमें दिया है इस डेली ब्रेड के माध्यम से। इस समय प्रेशियस टाइम में प्रियो, जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बिताते हैं, आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्ग के पिता, समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। इस क्षण तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा हम धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता। अपने हाथ के नीचे हमें बनाए रख प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं खुदा, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हम घटे और तू हमारे जीवन से महिमा पाई, हमारी इच्छा और अभिलाषा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उत्तम आशीष बरकत से तूने हमें नवाजा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। स्टेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा नियंत्रण तेरा चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे, मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, और ये कितना आनंद है। Hallelujah.
तेरी जय हो, जय दिलाने वाले तेरी जय होवे सदा। ओ संभालता तू, तू महान। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से सिर्फ तेरा खुदा, ओ अब्बा।
यीशु तेरा है, जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, अब्बा ये जीवन प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम घटते चले जा। आइए प्रिय प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार आपके जीवन में, आपके परिवारों में काम कर रहा है, अपनी सुरक्षा को आप लोगों को दे रहा है और आप लोग को बचाए हुए हैं। आइए हम वचन में चलेंगे। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 9-10 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ही को प्रथम रखना, सबसे पहला स्थान परमेश्वर ही को देना। मेरे प्रियो, बहुत सी बार हमारे जिंदगियों में ऐसे अवसर आते हैं जहां पे हम परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करते हैं, जहां पे हम परमेश्वर की उपलब्धता को महसूस करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की ओर से तरक्की को प्राप्त करते हैं, आर्थिक ऊंचाइयों को हम लोग छूते हैं। और जब धन की बढ़ती होती है, जब हमारी हमारे खेतों में खलिहानों में जो है बढ़ती होती है, जब हमारे परिवारों में बढ़ती होती है, आशीष आती है, सुरक्षा आती है, तो हमें जो है परमेश्वर ही को पहला स्थान देना जरूरी है। ऐसा क्यों है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखना है? परमेश्वर ही है जो सारी आशीषों का स्रोत है, सारी आशीषों को देने वाला है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, परमेश्वर ही को प्रथम रखें और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान उसी को दें। हमारे लिए आसान है कि हम सब बातों में अपने आप को प्रथम रखें, सब बातों में अपने आप को पहला दर्जा दें, परंतु ये महत्वपूर्ण है प्रियो कि हम परमेश्वर को जो है वो पहला स्थान दें। क्यों? क्योंकि सब बातों का स्रोत वही है, सारी आशीषें उसी से आई हैं। यदि हम ये सांस भी ले रहे हैं तो वो उसी की ओर से है, इसीलिए उसके प्रति जो है कृतज्ञता को रखना, उसके प्रति आभारी मन को रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कहते हैं कि मैं सब बातों के केंद्र में रहूंगा, सब चीजें जो है मुझ में ही शुरू होंगी, मुझ में ही खत्म होंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम अभागे लोग ठहरेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के उस महान करुणा को, उस दया को और उन आशीषों को भुला देने वाले होंगे, अकृतज्ञ लोग हो जाएंगे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और आप जान लीजिए कि परमेश्वर में ही भरोसा रखने के लिए जरूरी है कि हम उसे ही प्रथम रखें। अपनी संपत्ति, अपनी भूमि, अपनी उपज, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवनों में किए हैं उनमें हम परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दशमांश भी नहीं देते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं वो तो पुराने नियम की शिक्षा है दशमांश देना। नए नियम की शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जानिए कि नए नियम की शिक्षा में पूरा पूरा देना है। लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, इसलिए तुम जब देते हो तो हिला हिला के, भर भर के, उमड़ता हुआ दान किया करो। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए कि हमारा देना जो है, बहुत सी बार लोग सोच लेते हैं कि हमारा देना जो है वो पास्टरों के लिए है, वो किसी कलीसिया विशेष के लिए है, ऐसा नहीं है। आप जब दे रहे हैं तो आप जो है आभारी मन से उस उपकारों को याद करते हुए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं परमेश्वर को दे रहे हैं। और जान रखिए, बहुत से लोग जो है ऐसा कहते हैं कि हम जो दान देते हैं, हम जो भेंट चढ़ाते हैं, हम जो दशमांश देते हैं, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। आप और मैं कौन है क्वेश्चन करने वाले? और क्या आप और मैं पासबानों को दे रहे हैं? क्या आप और मैं जो धन है
वो पासबानों को दे रहे हैं, अपने भेंटों को, अपने दान दशमांश को पासबानों को दे रहे हैं? नहीं, हम तो परमेश्वर के उपकारों को याद करके परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, परमेश्वर को दान दे रहे हैं। परमेश्वर के उन उपकारों के बजाय बदले हम जो है परमेश्वर के लिए दशमांश चढ़ा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम क्वेश्चंस ना करें, हम जो है व्यर्थ की बातें ना करें। हम ये ना कहें कि देखो पास्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये पास्टर ही हैं, आपके अगुवे ही हैं जो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, दिन रात प्रार्थना करते हैं और आपके परिवारों में सुख और शांति आती है, घरों में जो है अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है, पारिवारिक शांति बनी रहती है, आप आर्थिक रूप से उन्नति और तरक्की करते हैं, आपके बाल बच्चों की नौकरियां लगती हैं, विवाह होते हैं, वे सेटल होते हैं। ये आपके अगुवे और पासबान ही हैं। तो इसीलिए जो है आप प्रश्न करें, परंतु आप जब देने की बारी आती है तो आप परमेश्वर यहोवा को हाजिर नाजिर जान करके उसके लिए भेंट चढ़ाएं, जरूर जो है उसे देने के लिए काम करें। क्यों, क्या बता रहा है ये? जो दान देना है, दशमांश देना है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पे है। हर एक आशीषों का स्रोत वही है, उसकी ओर आप बार 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 जो है अपने ध्यान को लगा रहे हैं कि हर एक आशीषों का स्रोत तू ही है। इसीलिए यहाँ पे दसवें पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। हम चाहते तो हैं कि सारी आशीषें बनी रहें। बहुत से लोग हैं जो हमेशा जो है इस बात को कहते रहते हैं कि हमारा धन जो है रुकता नहीं है, हमारे पैसे रुकते नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। जानिए, एक चोर है जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, और जब आप अपनी कमाई में से, अपने उपज में से, अपनी बढ़ती में से परमेश्वर यहोवा के नाम से कुछ निकाल करके नहीं देते हैं, जब आप उसको याद नहीं रखते हैं तो आप उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, और जब आप प्रतिष्ठा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने जो आया है वह सब नष्ट कर जाता है, घात कर जाता है और अहेर करके ले जाता है। इसीलिए बहुत से लोग बहुत पैसा तो कमाते हैं पर उनका जीवन जो है वह कर्जों में ही बना रहता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो भले थोड़ा ही कमाए पर परमेश्वर को प्रतिष्ठित करते हैं, परमेश्वर को देने के द्वारा आदर करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर को देना परमेश्वर की आराधना करना है, और इसीलिए जब वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। और आप देखिए कि बहुत तेरे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आपने कंगालीपन में प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, वे जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते गए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वे दान देने में, भेंट देने में, दशमांश देने में, परमेश्वर की सेवकाई में देने के लिए वे पीछे नहीं हटे, तो परमेश्वर अद्भुत रूप से काम करता है। बीती रात मेरे एक मित्र का फोन आया और उसने कहा कि इस महामारी के दौर में परमेश्वर बहुत अद्भुत रूप से काम कर रहा है। उसने कहा कि हमारे पास में करीब 50 पासबान सेवक हैं और उन 50 पासबानों को जो है देने के लिए हमारे पास में कोई भी पैसा नहीं था। एक जवान विधवा स्त्री ने फोन किया और कहा कि मैंने आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए डलवाए हैं। मेरा मित्र कह रहा था कि मैं आंसुओं में आ गया और मैं रोने लगा, क्योंकि उसका पति जो था वो सीआरपीएफ में काम करता था और ड्यूटी के दौरान जो है वह शहीद हो गया। शहीद की विधवा के रूप में उसे जो है कुछ धनराशि सरकार की ओर से मिली, और जो राशि मिली उसमें से उसने 1,00,000 रुपए जो है कहा मैं प्रभु के राज्य के लिए देना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, ये आशीष है, ये उत्तम बात है कि वह ऐसा करके परमेश्वर को जो है प्रतिष्ठित करी, और परमेश्वर जो है उसे जो है आशीषों से परिपूर्ण कर रहा है, न केवल उसे परंतु जो वो धन जो उसने जो है प्रभु के राज्य के लिए दिया उसे भी परमेश्वर जो है आशीषित कर रहा है। और आप जानिए मेरे प्रियो, जब हमारे वर्स्ट सिचुएशन में, जब हमारे बिल्कुल बदहाली के समय में भी हम परमेश्वर को प्रतिष्ठित करना नहीं भूलते हैं, परमेश्वर हमें उस बदहाली में से निकालता है। आप ध्यान रखें कि हम बहुत सी बार सोचते हैं अगर मैं दे दूंगा तो अब क्या होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, गरोइयों से सीखो और चींटियों से सीखो, ना तो वे बोते हैं और ना काटते हैं,
और उनको उनके समय में उनका भोजन मिल जाता है। यदि गोरैये और चिड़िये और पक्षियां और चींटियां परमेश्वर के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम तो उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, रिस्टोर्ड इन हिज लाइकनेस इन हिज इमेज। हम परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में पुनः स्थापित कर दिए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो इसीलिए हम महत्वपूर्ण हैं। तो परमेश्वर हमें भुला भी सलाह नहीं देगा कि कौन हो तुम भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आप परमेश्वर के लिए दिन आगे आएंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। सुलेमान, जिसके पास काफी संपत्ति थी, सब कुछ था, वह कह रहा है इस बात को अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देख देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब ध्यान रखिए, बहुत सी बार हम सब चीजों के लिए पैसा निकाल लेते हैं, पर जब बारी आती है परमेश्वर के राज्य के लिए निकालने के लिए, तो हम सबसे कम या सबसे अंतिम में परमेश्वर के लिए निकालते हैं। पर आप ध्यान रखिए, यह गलत बात है। बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है, नौवां पद नीति वचन तीसरा अध्याय उसका नौवां पद, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम परमेश्वर ही को प्रथम रखते हैं अपने जीवन में, तो वह सारी चीजें जो उसकी है वह हमारी हो जाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में मसीह के साथ संगी वारिस बना दिए गए हैं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसा करें। हम जो है अपनी निज भूमि में से, अपनी सारी संपत्ति में से, अपनी सारी उपज में से, अपनी सारी तनख्वाह में से जो है सर्वप्रथम उसके लिए भेंट निकालें, उसके लिए दशमांश निकालें, दशमांश से बढ़ करके निकालें और उसके लिए अर्पित करें। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ही में भरोसा रखना। पांचवी बात जो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ही में भरोसा रखना, वह है परमेश्वर ही के वचन को इस्तेमाल करें। क्यों ऐसा क्यों है, लिखा हुआ है नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसके 11 पद में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांट रहे तब तू बुरा ना मानना। क्या करें, परमेश्वर ही के वचन पर का इस्तेमाल करेगा, क्या अर्थ है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से सिद्धांत चल रहे हैं, बहुत से विचार चल रहे हैं, और बहुत से जो शिक्षक इस समय में हो गए हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, बहुत से जो है इस समय में धर्मगुरु बन गए हैं, जो बहुत उत्तम उत्तम बातें कहते हैं, ऐसे लगता है कि जो उनके वचन है वो मोती के समान हैं। वे बहुत ही मिला करके बहुत ही सटीक तरीके से बातों को अपने प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ढेर सारे जीवन जीने के तरीके के बारे में लोग जो है शिक्षाओं को दे रहे हैं, और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो कि जो शिक्षाएं हमारे चारों तरफ में चल रही हैं, जो बातें हमारे चारों तरफ में फैल रही हैं, हमारा ध्यान बहुधा उन पर चला जाता है, और हमें लगता है कि हमें जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही सटीक बात कह रहे हैं। और बहुत सी बार हमारे मन में ऐसा लालच आता है कि हम उनकी बातों को ज़्यादा सुने, हम उनकी बातों को ज़्यादा माने। यदि आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरा सोशल मीडिया इस समय में जो है मोटिवेशनल टॉक से भरा हुआ है, बहुत से उत्साही बातों से भरा हुआ है, बहुत से जो है इस समय में गुरु हो गए हैं, सेल्फ क्रिएटेड गुरुज हो गए हैं, जो ऐसी शिक्षाओं को दे रहे हैं। पर आप ध्यान रखें, जब आपकी बारी आती है तो परमेश्वर ही के वचन का इस्तेमाल करें। क्यों ये वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये वचन है मेरे प्रियो जो जीवन देता है। हो सकता है बहुत से लोग बहुत उत्तम उत्तम बातें कह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुर सिखा रहे हैं जीवन जीने के बारे में, परंतु अनंत जीवन तो इसी वचन से हमें प्राप्त होता है। यदि हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है तो वह इसी वचन में ही है। यदि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है तो वह इसी वचन में ही है। नो मैटर आप कितना अच्छा एक्सरसाइज कर लें, अपनी बॉडी को कितना अच्छा बिल्डअप कर लें, पर यदि आपकी आत्मा को बिल्डअप करना, अपनी आत्मा को बनाना है तो वह यह वचन ही है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल करें।
बहुत से लोगों ने बहुत से अच्छी अच्छी बातें कही हैं, आप उन बातों को गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु जब बारी आती है तो आप परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यही जीवित वचन है जो हजारों साल से आज भी विद्यमान है। बहुत से लोगों ने जो बातें बोली थी वे उन लोगों के साथ में खत्म हो गई, परंतु ये वचन जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया है आज भी आपके और मेरे मध्य में है, आज भी आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है, आज भी मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रूप से बोलता और बातचीत करता है, आज भी आपको और मुझको जीवन की राह सिखाता है, आज भी आप मुझको और आपको जीवन शैली बताता है, आज भी मुझको और आपको परमेश्वर में बढ़ाता है। यही वचन है जो हमारे विश्वास को मसीह में बढ़ाता है और परमेश्वर में ही भरोसा रखने के लिए हमें तैयार करता है। ये वचन मेरे प्रियो जो जीवित वचन है, इसीलिए उस पर ही भरोसा रखें, उसी की ही माने। बहुत सी बार हम यदि अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने आप को जांचें, अपने व्यवहार अपने कार्यों को पाएं, तो हम पाएंगे कि बहुत कुछ जो आसपास चल रहा है, बहुत कुछ जो आसपास हो रहा है, वह हमें प्रभावित करता है। बहुत से लोगों की बातें जो बहुत से लोगों के जो सलाह हैं वो हम में काम करती है। हम लोगों की सलाह ज़्यादा ढूंढते हैं बनिस्बत परमेश्वर की सलाह की जो इस जीवित वचन से आता है। बनिस्बत अपने कानों को तैयार करेंगे परमेश्वर के आत्मा का सुने। हम लोगों के विचारों को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं हमको ज़्यादा उस बात की चिंता है, बनिस्बत परमेश्वर क्या कहता है। इसीलिए क्या करें, परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल करें। यहां पे लिखा हुआ यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसके 9 पद में वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हां मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर ही के वचन में से नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए आसान है कि हम दुनियावी बातों को सुने और दुनियावी बातों के चक्कर में फंस जाएं। बहुत आसान है कि हम पाप की राह में चले जाएं। बहुत आसान है कि हम बुराई के रास्ते को पकड़ लें। बहुत से परमेश्वर के जो दास और दासियां हैं अमेरिका में, जब भारत से योगा की शुरुआत हुई और योगा जो भारत से जो है एक एक्सरसाइज के रूप में, पैकेज के रूप में विदेशों की धरती पर पहुंचा, तो बहुत से मसीही लोग भी जो है इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिए और कहने लगे तो एक व्यायाम मात्र है, परंतु उसके आत्मिक बातों को बाद में भी समझ पाए। पर इस बात को आप और मैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत सी चीजें जो है वे बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में है। संसार की बातें बहुत ही सुंदरता में लुभावनी है, चकाचौंध में है, पर परमेश्वर की बातें जो हैं वे बिल्कुल सामान्य हैं, सीधी हैं और समझने में आसान हैं। और इसी वजह से कई बार जो है जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से हम उस अट्रैक्टिव पैकेज की तरफ चले जाते हैं, बनिस्बत हम सामान्य पैकेजिंग की ओर जाएं। ध्यान रखिए, हमारा उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और उसके जी उठने के द्वारा है, और उस पर हम जब विश्वास करते तब वह उद्धार हमारे जीवन में काम करता है। पर बहुत सी बार हम जो है लोगों के विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम बुराई से बचे रहें तो उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर ही की वचन का इस्तेमाल करें हर एक बातों में। दाऊद दिन रात अपने आप को बार बार याद दिला रहा है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों ऐसा कह रहा है दाऊद? इसलिए कह रहा है क्योंकि वह जानता था यदि वह परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल ना करे, यदि वह परमेश्वर के वचन को ना सुने, यदि वह परमेश्वर के वचन पर स्थिर ना रहे तो इधर उधर भटक जाएगा। हम इसीलिए लगातार ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है परमेश्वर के इस वचन में मजबूत करने की जरूरत है, इससे अध्ययन करने की जरूरत है, इसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। हमारे व्यवहार को केवल यह वचन बदल सकता है, प्रभावित कर सकता है, और जो बाकी बातें हैं वे भी हमें प्रभावित कर सकती हैं, हमारे विचारों को बदल सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपना भरोसा, अपना सारा ध्यान इस वचन को इस्तेमाल करने में ही लगाएं।
परमेश्वर में ही भरोसा रखें। छठी बात, केवल हमें क्या करना है, परमेश्वर के आत्मा ही की सुनना है। क्यों ऐसा है? जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ही के वचन का इस्तेमाल करें, परमेश्वर ही के आत्मा की सुने। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये संसार, मैंने बताया, चकाचौंध से भरा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये संसार चकाचौंध से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने जो है पवित्र आत्मा को हमें दिया कि हम जो है उसकी पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, प्राप्त करें और उसके अनुसार से जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम उसमें लगातार बढ़ सकें। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। क्यों ऐसा यीशु मसीह कह रहा है? इस बात को बताने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो कि हम लगातार प्रभु में बने रहें। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। क्या बात, क्या अर्थ है इसका? पवित्र आत्मा हमें लगातार सिखाता जाएगा, समझाता जाएगा, बताता जाएगा हमें किस तरह से जीवन को व्यतीत करना है। यीशु मसीह ने कलीसिया में अपनी पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया, अपने शिष्यों से कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। योना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 पद वहां पे लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यह पवित्र आत्मा है, न केवल वह हमें सब बातें सिखाता है, न केवल हमें समझाता है, पर साथ ही साथ वह हमें सब कुछ जो यीशु ने कहा है स्मरण भी कराता है, हमारे जीवन को सही पथ पे बनाए रखता है। इसीलिए क्या करें? परमेश्वर की आत्मा की ही सुने। बहुत कुछ आवाजें आ रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, पर ध्यान दीजिए कि हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर के बस सके। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम सही राह में बने रहें, सही रूप से बढ़ते जाएं। न केवल पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर लेकर के जा रहा है, परंतु हमें आ रही असत्य से सुरक्षा भी कर रहा है। न केवल पवित्र आत्मा हमें जो है सही मार्ग में लेकर के जा रहा है, पर कुमार्ग में जाने से हमें बचा भी रहा है। न केवल पवित्र आत्मा जो है हमारे मन और मस्तिष्क को, हमारे हृदय को तैयार कर रहा है, परंतु वह जो है हमें जीवन में बनाए भी रखा है। हालेलुया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मेरे प्रियो, जो हमें उद्धार मिला हुआ है उस उद्धार की रखवाली हमें करना है। जो शांति हमें मिली हुई है, जो अद्भुतता की बातें हमारे जीवन में हो रही हैं, उसमें हमें आगे बढ़ते रहना जरूरी है। यीशु में ही भरोसा रखें। सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि परमेश्वर के प्रेम में ही आराम को पाएं। बहुत से लोग जो है बहुत सी और भी चीज़ों में, और भी बातों में जो है अपने आराम को, अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। पर नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह चाहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है कि परमेश्वर जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम में ही आराम को पाएं। बहुत से लोग इस संसार में और संसार की चीजों में और दुनिया की बातों में जो है आराम को ढूंढ रहे हैं, धन दौलत में आराम को ढूंढ रहे हैं, पर मेरे प्रियो वो थोड़े समय का आराम है और वो थोड़ा समय का आराम जल्दी खत्म हो जाएगा। वो थोड़े समय की शांति जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पर यीशु परमेश्वर जो है इस वचन में बता रहा है कि जो है हमें परमेश्वर के प्रेम में अपने आराम को पाना है। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं जैसे हमारे संसारिक माता पिता जो है हमें डांटते हैं, हमें सुधारते हैं, हमें ठीक करते हैं ताकि हम सही रहें। बहुत सी बार
परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमसे व्यवहार करता है, क्योंकि वह हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए वह हमसे इस तरह का व्यवहार करता है। तो क्या करें हम जो है अपने हृदय को तैयार करके हम उसमें आराम को पाएं। क्यों? क्योंकि जो संसार है वो दिखा सकता है कि वो हमें सच्चा आराम देगा, सच्ची शांति देगा, सच्चा प्रेम करेगा, पर वहां धोखा ही धोखा है। पर तो अपने हृदय को तैयार करेगी परमेश्वर के प्रेम में अपने आराम को पाएं। जब हम अपने जीवन की मुश्किलातों का सामना करते हैं, जब उथल पुथल से भरी हुई इस दुनिया के सामने हम आते हैं, जब तमाम प्रकार के सताओं का हम सामना करते हैं, तमाम प्रकार के दबावों का हम सामना करते हैं, तो इसलिए जरूरी है प्रियो कि हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आराम को पाएं। बहुत सी बार हम सोचते हैं जब मैं मेरे बेचारेपन में, जब मैं मेरे उदासी में, जब मैं अपने अकेलेपन में होऊंगा तो कोई मेरा साथ देगा। हाँ, बहुत से लोग हमारे उदासीपन में, हमारे अकेलेपन में, हमारे मुश्किलातों में हमारे साथ में खड़े होते हैं, पर उनका प्रेम हमें आराम नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आराम दे सकता है। चुनौतियों और असफलताओं के मध्य में केवल परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आराम दे सकता है। बहुत सी बार हमारा दृष्टिकोण चुनौतियों, असफलताओं और परेशानियों के मध्य में बदल जाता है। हम कई बार सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ही है जो मुझे इन परीक्षाओं में डाल रहा है, ये परमेश्वर ही जानबूझकर कि मुझे इसमें से लेकर के जा रहा है। पर ध्यान रखिए, आप एक जहाज के समान हैं, और जो जहाज है कभी भी किनारे में खड़े होने के लिए नहीं बना होता है। एक जहाज जो है उसे इसलिए बनाया जाता है ताकि वह समुद्र में जाए और समुद्र में हर प्रकार के तूफानों का सामना कर सके, ऊंची ऊंची लहरों का सामना कर सके। उस जहाज को बनाया इसलिए गया है कि वह हर प्रकार के मौसम का सामना कर सके। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि आप और मैं हर एक प्रकार की मुश्किलातों का सामना कर सकें, हर एक असफलताओं का सामना कर सकें, हर एक चुनौतियों का सामना कर सकें। और जब हम इन सब के मध्य में से होकर के जाते हैं तब भी हम अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रेम में ही आराम मिलता है। तो परमेश्वर ही के प्रेम में आराम को ढूंढें, और किसी बात में नहीं, और कहीं नहीं। हो सकता है बहुत से लोग हमारी परवाह करते हों, हमारी चिंता करते हों, पर ध्यान रखिए उन सबसे बढ़कर के एक है जो आपकी चिंता करता है। और इसलिए मत्ती सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 20 पद में उसके आखिरी भाग में इस प्रकार से कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार उसके 28:20 में? उसमें कह रहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो वह जो है निश्चित रूप से हमारे उस समय में भी जब चीजें ठीक नहीं है हमारे संग हैं, हम अकेले नहीं हैं। वो जगत के अंत तक संग रहने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। इस बात से आप ढांढस बांधे तो हम क्या करें? हमें परमेश्वर में ही भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर ही में भरोसा रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इन चार बातों को आपने सुनने, सीखने और समझने के लिए सहायता किया कि हमें परमेश्वर ही को प्रथम रखना है। अपने जीवन के हर एक भाग में, अपने जीवन के हर एक समय में परमेश्वर ही को प्रथम रखने की जरूरत है। हमने तूने सहायता किया कि हम सीख सके प्रभु जी कि हमें परमेश्वर ही के वचन को इस्तेमाल करना है। प्रभु जी तूने सहायता किया कि हर एक बात में, हर एक जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में हमें परमेश्वर ही के वचन का इस्तेमाल करना है। प्रभु जी तूने सहायता किया, मदद किया इस बात को सुनने समझने में कि हमें परमेश्वर ही की आत्मा की सुनना है।
और प्रभु जी तूने सहायता किया कि पिता परमेश्वर हमें परमेश्वर ही के प्रेम में आराम को पाने की जरूरत है। प्रभु तू सहायता कर कि हम में से प्रत्येक तुझ में आराम को पाने पाए, तुझ में आशीषों को पाने पाए, तुझ में उत्तमता को पाने पाए, तुझ में बढ़ती को पाने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में हर एक भाई बहन जो पिता परमेश्वर अपने दुर्बलताओं से होकर के जा रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर के जा रहे हैं, शारीरिक कमजोरी में से होकर के जा रहे हैं, मानसिक दबावों में से जा रहे हैं, उनके लिए मैं यीशु के नाम से छुटकारा कहता हूं। मैं कहता हूं प्रभु जी अनंत जीवन जो पिता परमेश्वर तूने उनके रख रखा है उन्हें प्राप्त होने पाए। हम में से प्रत्येक खुदाम बाप प्रभु जी तुझ में अधिक से अधिक बढ़ता जाए, मजबूती पाता जाए पिता परमेश्वर, और तुझ में ही भरोसा रखे। प्रभु इस महामारी के दौर में खुदाम बाप प्रभु जी बहुत सी बातें जब हो रही हैं, हमारा भरोसा हमारा विश्वास केवल तुझ में रहने पाए, हमारी निर्भरता केवल तुझ में रहने पाए, हम केवल तुझ ही को पुकारने पाए। तू सहायता कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी अद्भुतता में जीवन को जीना चाहते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जाने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और साथ साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, और प्रार्थना के नंबर स्क्रीन पर आपके मौजूद हैं। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें, और यदि आप हमारी सेवा में एक पार्टनरशिप लेना चाहते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करें, और आर्थिक धन द्वारा अपने धन के द्वारा आप हमारा साथ दे सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू।